वन है जिसमें मैंने अभी बोल रहा है, मैंने एक में दिया है निम्नलिखित कथनों को पूरा करे। अच्छा पेन तो पीछे जा, अरे इसको पीछे भेज दो, पीछे जाओ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पूरा करे, मैंने अभी डैश डैश दिया है उसको पूरा करना है। एक नंबर में है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो मैंने बताया था अभी में की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता है बराबर वन होता है। ए में है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन के बराबर है, वन है। दूसरा में है, समझ में आ रहा है ना, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर वन। दूसरा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डॉट डॉट है, ऐसी घटना कहलाती है। मैंने बोला है उस घटना की प्रायिकता क्या है जो घटित नहीं हो सकती, जैसे कि अति बताए थे एक पासा लिए थे ना, जो मैं बोल रहे थे मैंने एक से छह तक अंक रहता है, लेकिन हम बोलेंगे सात आने की प्रायिकता क्या है, तो ये घटित नहीं हो सकता है, हो ये नहीं सकता है। तो शनका थी मैंने एक प्रायिकता क्या हो जाएगा, एक प्रायिकता जीरो हो जाएगा। ऐसा पदनी ऐसा घटना को बोलते कहती है असंभव या अनिश्चित घटना, असंभव मैंने जो घटित नहीं हो सकता है इस घटना को बोलेंगे असंभव या अनिश्चित, मैंने जो कभी निश्चित ही नहीं है। तीसरा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना कहलाती है। मैंने तीसरा में बोला है उस घटना की प्रायिकता क्या है जिसका घटित होना निश्चित है, जैसे कि वो पासा उछाल दिए या सिक्का पासा उछाल दिए, मैंने लूडो छाका, और बोलेंगे एक आने की प्रायिकता अगर पासा सिक्का उछालते हैं, नहीं अभी पासा उछालते हैं तो कन्फर्म है कि एक से छः के बीच में मैंने एक आ जाए, मैंने एक पाँच दो चार पाँच छः, एक से छः के बीच में यानी एक से छः तक कोई ना कोई ऐबे करेगा। ऐसा का है कि मैंने अगर एक बार अति करते हैं कोई ना आए, ऐसा का नहीं है, कन्फर्म है कि कोई ना कोई ऐबे करेगा। तो ऐसा का घटना के मैंने प्रायिकता होता है एक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैंने पूरा कन्फर्म है ना निश्चित है, एक बोल देंगे संभव या निश्चित। तीसरा है मैंने एक बार और बताते हैं उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी प्रायिकता कहलाएगा एक, तथा ऐसी घटना कहलाती है निश्चित संभव या निश्चित घटना। चौथा क्वेश्चन है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं के घटनाओं का योग एक आता है, मतलब जैसे कि कोई अति खेलते हैं मैच खेल रहे हैं तो वे मैंने वो जीतने की प्रायिकता होता है ना, जीतने की प्रायिकता होता है वो हारने की, कन्फर्म है कि जीतेगा और हारेगा, तो दोनों के जोड़ देंगे एक प्रायिकता वन आ जाएगा, जैसे सत्य और असत्य दोनों के जोड़े तो प्रायिकता योग योग किए तो मैंने वन आ जाएगा। यही है चौथा में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। पांचवा क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर है, माने कौन सी ऐसी की घटना है जिसका प्रायिकता माने उससे बड़ा या उसके बराबर है तथा उससे छोटा या उसके बराबर, जैसे कि अति प्रायिकता है वो जीरो है, जरा से मैंने प्रायिकता का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है तथा प्रायिकता का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है तथा एक से छोटा या एक के बराबर होता है, प्रायिकता का मान जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता है तथा एक से छोटा या उसके बराबर होता है। लिख लो